बस एक निवेदन सबसे करना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक ग्रुप पर सुन रहे हैं और जितने इस बेतुल की पावन धारा पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक बात कहूंगा, जब कोई नारी या कोई पुरुष व्रत करता है, उपास करता है, उपास करता है, वो किसी भी देवता का उपास करे, शनिवार का करे, मंगलवार का करे, बुधवार का करे, गुरुवार का करे, रविवार का करे, तीज का करे, चतुर्थी का करे, अष्टमी का करे, एकादशी का करे, प्रदोष करे, द्वादशी करे, पंचमी करे, तीज करे, छठ करे, नवरात्रे करे, चतुर्थी करे, कोई पुरुष या स्त्री या बच्चा कोई भी व्रत करता है, जिस दिन वो व्रत रखता है उस दिन उसके शरीर में कौन सी देवी का अंश आकर विराजमान हो जाता है जिससे वो व्रत सफल कर पाता है? बोलो रे भाई, कौन सी देवी का अंश आ जाता है जिससे उसका व्रत, किसी भी व्रत को करे, वो एकादशी करे, द्वादशी करे, प्रदोष करे, सोमवार करे, मंगलवार करे, बुधवार करे, नवरात्रे करे, तीज करे, चतुर्थी करे, छठ करे, प्रदोष करे, दिवाली करे, दशहरा करे, जो व्रत उसको करना है करे, मंगलवार करे, वो कौन सी देवी एक ऐसी होती है भगवान शंकर की, वो कौन सी एक माता एक देवी ऐसी है जो व्रत करने वाले की तप साधना में साथ देती है और उसकी तप साधना को बढ़ाने का काम करती है? वो केवल एक देवी है, शाकंभरी माता। कौन सी माता है? माता शाकंभरी। केवल एक है जो व्रत साधना तप आराधना करने वाले के साथ हमेशा साथ देने के लिए उसके हृदय में विराजमान होती है, उसके चित्त वृत्ति में बैठी रहती है, भजन का बल शकंभर तप साधन। कितना सुंदर कहा है, जो व्रत करता है ना, हम तो यहां तक कहते हैं कि अगर कोई कथा सुनने बैठा हुआ है, कथा सुन रहा है, आपको जाना है, आपका शरीर का जरा सा अंश भी चलते समय दूसरे के शरीर को नहीं लगना चाहिए। शिव महापुराण में वर्णन आया है पितरों की तीन कन्याओं का, मेना, धन्या, कला, इन तीनों का वर्णन आया है। पितृलोक में ये तीनों आराम से रह रही थी और सनकादि ऋषि बैठकर तप कर रहे थे, कथा की चर्चा कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। पहले मेना निकल कर गई, फिर धन्या निकल कर गई, फिर कला निकल कर गई, एक के पीछे एक तीनों निकल कर गई, तीनों निकल कर गई। इनका शरीर का लहंगा संत सनकादि ऋषि के जंघा पर पड़ गया, क्रोध आ गया, ऐ मेना धन्या कला, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम तीनों मृत्यु लोक में एक साधारण सी स्त्री बनोगी। तीनों बिलख रही हैं, तीनों रो रही हैं, तीनों की आंख में आंसू भरा हुआ, क्षमा कर दीजिए नाथ, क्षमा कर दीजिए। सनकादि ऋषियों ने कहा, जब कोई कथा सुनने के लिए बैठता है, सत्संग करने के लिए बैठता है, सदगुरु की शरणागति में बैठता है, मंदिर देवालय में बैठता है, भगवान के भजन में बैठता है, जितनी देर वो भगवान का गुणगान करने बैठता है, उतनी देर तक उसके हृदय में शाकंभरी माता का निवास होता है। शाकंभरी माता ऐसे अलग से नहीं रहती, जितनी देर वो तप साधना में, भजन में, संकीर्तन में, कीर्तन में, स्मरण में डूबा रहता है, उतनी देर तक शाकंभरी उसके अंदर रहती है। जब आपका शरीर जाते जाते उसको लात लगती है, शरीर का अंग लगता है, कोई सामान लगता है, शाकंभरी को पकड़ता है और वो क्रोध उसके मुख से निकलकर तुम्हें श्रापित कर देता है। इसके फल अनुसार तुम्हें तीनों को मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। चरणों में पड़ गई, हमारा उद्धार कैसे होगा? तब सनकादि ऋषियों ने कहा, तुम्हारा उद्धार मेना, तुम्हारे घर में पार्वती का जन्म होगा, धन्या तुम सुनैना बनोगी, तुम्हारी गोद में माता सीता खेलेगी, कला तुम कीर्ति बनोगी, तुम्हारी गोद में राधा खेलेगी। ये तीन देवियां जब तुम्हारी गोद में खेलेगी, जगत का कल्याण कर देगी। वो जगत का कल्याण करेगी तो तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाएगा, अपने आप। हम यहां तक कहेंगे, उसका भी स्मरण रहे। अगर कोई अपने घर से एक लोटा जल लेकर जा रहा है,
शिव जी के मंदिर तक जा रहा है, शिवालय तक जा रहा है, तो यहां तक भी निवेदन करेंगे कि हंसो, दुनिया का काम है हंसना। अभी अभी आदरी कह रहे थे कि जब कोई सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ता है, कोई अच्छे काम के लिए आगे बढ़ता है, तो दुनिया ताने भी देती है, अपशब्द भी कहती है, टांग भी खींचती है। लोग अपशब्द पर अपशब्द कहते हैं। जब आप एक लोटा जल लेकर देवालय शिवालय की ओर जाएंगे, तो आप जिस रास्ते से निकल कर जाएंगे, दुनिया के लोग आप पर भी हंसेंगे। लो एक और आ गई सियोर वाला महाराज की चेली, लोग हंसेंगे, ये चल दी सावित्री बनकर, अनसुईया बनकर। दुनिया के लोग कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, बोलेंगे, पर आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। कहे कहे तो कहे, कहने वाला कहता रहे। जिस समय पूजन का कोई साहित्य, पूजन का कोई सामान, पूजन की कोई सामग्री हमारे हाथ में रहती है और हम पूजन करने जाते हैं और पूजन कर कर वापिस आते हैं, उस व्यक्ति को देखकर अगर कोई दूसरा हंसता भी है, तो समझ लो वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के सीढ़ी पर पांव रख दिया। उसने अपनी जिंदगी की बर्बाद होने वाली सीढ़ी पर पांव रख दिया, क्या उसको बर्बाद हो, निश्चित है। देवव्रत शिव जी के सामने बैठा है, घोर तप कर रहा है, घोर तप, अखंड तप करने में लगा हुआ, और ऐसा अखंड तप देवव्रत कर रहा है, उसको केवल एक चीज मालूम करना है कि मेरी बेटी जिसको मैं समझा समझा कर रह गया, वो बेटी की दशा कैसी है। तब देवव्रत ने अखंड तप करा, मेरे देव अधिदेव महादेव खुद नहीं आए, मां अंबा नहीं आई, जगदम्बा नहीं आई, शिव जी ने अपने नंदी को भेज दिया, नंदीश्वर जाकर मालूम करो देवव्रत क्या चाहता है, इस देवव्रत को चाहिए क्या, जाओ जरा मालूम करो, जाओ। और महाराज तब साधना का जो बल होता है वो कोई साधारण नहीं होता। दूध में सुगंध गंध नहीं होती, दूध में सुगंध गंध कब आएगी, जब दूध को आप तपाओगे, फिर उसको जमाओगे, जमाकर फिर उसका घी निकालोगे, और घी निकालोगे तब उसमें गंध आना, सुगंध आना प्रारंभ हो जाएगी। दूध में सुगंध नहीं है, पर दूध को तुमने पहले फाड़ा, तपाया, फाड़ा, फिर उसको अग्नि पर तपाया, तपाने के बाद में जब वो धीरे 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 घी बना, तब उसमें सुगंध आना प्रारंभ हो गई। उसी तरह मनुष्य में उतना आनंद सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, शंकर की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, तो कहा दुनिया के लोग अपशब्द कहकर तुम्हें तपाएंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गाली देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, फिर भी तुम भगवान शिव के शिवालय में जाती रहना। जब तपते रहोगे, तपते रहोगे, तपते रहोगे, तो एक दिन सुगंधित घी बन जाओगे और आपका जीवन सार